बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और उनका पूरा परिवार इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां सलमान खान अपने करीबी दोस्त और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत से सदमे में हैं, तो वहीं दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई सुपरस्टार की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। मालूम हो कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही खुद बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है और एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट में हत्या की वजह सलमान संग दोस्ती बताई है। वहीं इसके बाद से ही सलमान खान की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा टाइट कर दी गई है। इसी बीच अब सलमान खान के भाई अरबाज खान ने बताया है कि अभी उनका परिवार किस स्थिति में है और सलमान की सुरक्षा को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। दरअसल हाल ही में अरबाज खान चैंकी सिंह के डेब्यू सॉन्ग स्टिल एवर के लॉन्च पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें भी की, तो आइए देखिए उनका ये वीडियो। इस दौरान मैं काफ़ी टाइम की आपसे बात की कोशिश की, लेकिन देखा गया तो आपकी जो खास भाई जो है फिलहाल इस समय जो भी बीच में बाबा सिद्दीकी नहीं नहीं उनके लिए कुछ अगर बोलना चाहेंगे, अगर आप आज आप आए साथ इस टाइम क्योंकि एज अ ब्रदर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, हमेशा सपोर्ट किया। सी बाबा सिद्दीकी सर वॉज अ वेरी वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड एंड अ वेरी लव्ड पर्सन। उनके साथ हमेशा आप देखो ईद के टाइम पे पूरी इंडस्ट्री जमा होती थी, तो उनके जाने का बड़ा अफसोस हो रहा है। एंड यू नो वी हैव प्रेयर्स फॉर द फैमिली एंड यू नो वी आर ऑल अफेक्टेड बाय दिस इंसिडेंट एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई गेस वी आर ऑल काइंड ऑफ ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस थिंग। जस्ट प्रेयर्स, दैट्स इट। कमिंग इन टू द सिंगिंग थिंग, और पहला इनका फॉरे है इन टू सिंगिंग, तो गाना तो बहुत ज़बरदस्त, एक्सपेक्टेशन से बेटर ही किए हैं, जो मतलब आदमी सोचे कि कैसा होगा। आई एम ऑल्सो वॉचिंग इट, इज़ फैंटास्टिक, वेल वेल डन वेल एज अ प्रोडक्शन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम, वेरी वेल डन, गाना बहुत अच्छा है, वेरी वेल शॉट एंड आई एम श्योर ये पॉपुलर होने वाला है बहुत ज़्यादा। थैंक यू सर, आपकी ब्लेसिंग। जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा जो पहला शुरुआत होने जा रहा है म्यूजिक कंपनी का, और जो पहला गाना आया आपने सबने देखा, और सर अरबाज सर यहाँ पे हैं, तो सर से मैं पहले मिला हूँ क्योंकि मैंने जो मूवी की थी सलमान सर के साथ भारत, तो उनके प्रीमियर पे मिला था सर से मैं, तो अब सर यहाँ पे हैं तो फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और इनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं हमारे म्यूजिक को। जैसे हमारे प्रोड्यूसर मेरे दोस्त अभिषेक कार्तिक भाई हैं, तो ऐसे ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ पे आया। नहीं, वी आर जस्ट एक्साइटेड, और आई थिंक ये फर्स्ट माइलस्टोन है हमारा स्टिल अबव लॉन्च करना, एंड आई वुड लाइक टू थैंक अरबाज सर एंड शैंकी वीर जी। तो हमारी दोस्ती काफ़ी पुरानी थी शैंकी से, तो जस्ट वॉन्टेड टू स्टार्टेड इट, सो इसलिए हमने सोचा नहीं था कि शैंकी गा सकता है, तो फिर हमने सोचा कि यार स्टार्ट किया जाए, बट फिर डिसाइड करा कि कंपनी के थ्रू किया जाए, तो फिर हमने डिसाइड करा कि अपना एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया जाए। तो इट टुक मोर देन ईयर, एक साल से ज़्यादा लग गया यहाँ तक आने में, तो सामने क्योंकि सब कुछ एक अच्छे तरीके से रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो फिर शैंकी ने ही स्टार्ट करके दो चार लाइनें गई, हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर इनके साथ हम गए, तो आपने वीडियो देखी है सबने, तो गाना म्यूजिक सब कुछ जो भी बेस्ट हम कर सकते थे लेवल पर हमने किया, और परफॉर्मेंस भी, मतलब एक होता है गाना होता है और एक स्क्रीन के ऊपर जो प्रेजेंस है वो भी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। यू हैव डन वेरी वेल, बहुत अच्छा गाना भी, और आपका डिमीनर, आपका जो लुक है इस गाने के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरबाज सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस तरीके से आपने काफी लंबा टाइम इंडस्ट्री को दिया है, इस तरीके से आप देखते हैं कि नए यंग टैलेंट जब इंडस्ट्री में पावर पैक एक एनर्जी लेकर काम करने के लिए आते हैं, आप उन यंग टैलेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके से फाजी यहां पर आए उनके लिए आप क्या कहना, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि मतलब हमने तो काफी फ्रॉम फैमिली से ही हमने फ्रेश यंग टैलेंट को, हमेशा न्यू टैलेंट को बहुत इनकरेज किया। हमारी फिल्मों में भी आप देखोगे तो यू नो जैसे एज ए प्रोडक्शन हाउस में, जैसे मैंने दबंग की तो जो फिल्म का जो डायरेक्टर था वो पहली फिल्म कर रहे थे, सोनाक्षी जी थी वो पहली फिल्म कर रही थी, ममता शर्मा जी जिन्होंने गाना गाया था वो पहला गाना गाया था। तो हम अपने प्रोडक्शन हाउस में बहुत से न्यू टैलेंट को हम इनकरेज करते हैं एंड यू नो वी अप्रिशिएट ऑल ऑफ दैट। तो जब भी कोई ऐसा यंग टैलेंट आता है या फ्रेश टैलेंट आता है तो आई फील गुड, आई मीन टू से कि भाई एक नया
कलाकार नया स्टार इज गोइंग टू बी बॉर्न. सो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. ऑलरेडी लग रहा है कि ये इनका जो एंट्री है म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर इज गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड अ लॉट. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर. खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें.